टाइगर फिश के हमले से इंसान की जान भी जा सकती है। टाइगर फिश की मुख्यतः 5 प्रजाति पाई जाती है। इनमें सबसे बड़ी गोलियथ टाइगर फिश होती है। इसका वजन करीब 55 से 60 किलोग्राम और लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। गोलियथ टाइगर फिश दिखने में किसी शार्क से कम नहीं होती है। यह मछली अपने खतरनाक जबड़ों के कारण प्रसिद्ध है। इस मछली के जबड़े आगे की ओर निकले होते हैं, जो इसे डरावना बनाते हैं। इसे रिवर मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इस मछली की पहचान इसके जबड़े से ही होती है। इसका जबड़ा बड़ा होता है, जो आगे की तरफ निकला होता है। इस जबड़े में बहुत धारदार दांत होते हैं, जो किसी भी जल जीव को आसानी से चीर फाड़ दे। इसके दांतों की संख्या 32 होती है। इसकी दूसरी मुख्य प्रजाति विट्टाट्स होती है। इसे आमतौर पर कॉमन टाइगर फिश कहते हैं। यह प्रजाति आकार में छोटी और वजन में कम होती है। इस प्रजाति का वजन ज्यादा से ज्यादा 25 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका आकार अधिकतम 1 मीटर तक हो सकता है। गोलियथ टाइगर फिश अफ्रीका के कांगो रिवर सिस्टम और तांगानिका झील में पाई जाती है। विट्टाट्स टाइगर फिश अफ्रीका के जाम्बेजी रिवर सिस्टम में मिलती है। सामान्यतः सभी टाइगर फिश अफ्रीका के रिवर सिस्टम में ही पाई जाती है। टाइगर फिश मछलियों का शिकार करती है। यह इतनी खूंखार होती है कि छोटे मगरमच्छों का शिकार भी कर लेती है। हालांकि बड़े मगरमच्छ इसका शिकार कर लेते हैं। विट्टाट्स मछली की एक खास बात होती है कि यह पानी के ऊपर उड़ते हुए पक्षी को पकड़कर खा जाती है। टाइगर फिश इंसानों पर भी हमला कर देती है। अफ्रीका की नदियों के मछुआरों पर गोलियथ टाइगर कई बार हमला कर चुकी है। यह हमला इतना खतरनाक होता है कि इंसान की मौत तक हो जाती है।